खानगार से राणा सुजात माची कारकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टोल कमेटी के मुलाजमीन की करप्शन के बारे में आगाह कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ बाकर हुसैन मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं खानगढ़ से राणा सुजात समाजी कारकुन बात कर रहा हूँ। टाउन कमेटी खानगढ़ में करप्शन, जो करप्शन खानगढ़ से महाना 10 लाख रुपए हर महीने 10 लाख रुपए करप्शन और सालाना 1,20,00,000 रुपए की करप्शन थींदी पई हुंदे है। 1,20,00,000 रुपए की करप्शन थींदी पई है जिंदे विच वो आप जी मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ करप्शन बोगस भर्ती और अफसरान के अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वजह से म्यूनिसिपल कमेटी खानगढ़ तनजली का शिकार होकर टाउन कमेटी बन गई। तफसीलात के मुताबिक खानगढ़ शहर के समाजी कारकुन राणा सुजात और शेख बाबर अली और दीगर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन खानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी खानगढ़ में हर मंथ तकरीबन 12 लाख रुपए की करप्शन होती रही। तेल की मद में 3.5 लाख रुपए निकाले जाते हैं। तकरीबन 4 माह हो गए अमले को तनख्वाहें नहीं दी गई। बोगस भर्तियाँ की गई जिसमें फनान सेक्रेटरी ख्वाजा काशिफ के भाई ख्वाजा आसिफ और सबका सीईओ जोहेब हसन भी बोगस भर्ती में शामिल हैं। मौजूदा सीईओ ने अपने अख्तियार का नाजायज फायदा उठाया और 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन की। मौजूदा सीनियर हेड क्लर्क अबू बकर एफए की जाली सनद बनवाकर चौकीदार से सीनियर हेड क्लर्क बन गया। उन्होंने मजीद कहा कि अबू बकर ने अपने बेटे की भी गलत तरीके से नौकरी लगवाई है। उन्होंने कहा कि डीसीओ मुजफ्फरगढ़ ने ADCG को इंक्वायरी मार्क कर दी है और दूसरी इंक्वायरी डीजी खाम में हो रही है। उन्होंने आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इंक्वायरी के बाद इन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए और टाउन कमेटी खानगढ़ में नया अमला तैनात किया जाए। जी